हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक और इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डाई एसी। तो उसके लिए कार्डबोर्ड शीट को मैंने काट लिया है। आप चाहें तो किसी खाली डिब्बे से इनको निकाल सकते हैं और दो पीसीज को मैंने कट कर लिया है। इनकी सेम कॉपी आपने बना लेनी है और छोटे वाले टुकड़े पे हमने बीच में कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमने दूसरे टुकड़े पे भी इसी तरीके से कट लगाना है, क्योंकि ये हमारी एसी की लेफ्ट और राइट वॉल होने वाली है। अब आपने पेनट्स या कुरकुरे किसी भी खाली रैपर का यूज़ करना है और कैंची की मदद से उनमें से पतली पतली स्ट्रिप को काट लेना है। काटने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनी है एक साइड से, तो हमने अपनी लेफ्ट वॉल पे ग्लू की हेल्प से इनको चिपका देना है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी शाइनी और मेटेलिक लुक दे रहा है। तो एक एक करके चिपकाने के बाद में ये आपको ऐसा दिखाई देगा। इसको उल्टा करके अगर हम देखें तो एक रियल एसी के जैसा ये दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से मैंने राइट वॉल को भी रेडी कर लिया है और टॉप यानी कि जो हमारी एसी की छत होने वाली है उस पर भी मैंने कट लगा के इन पतली पतली स्ट्रिप को चिपका दिया है। अब बारी है फ्रंट की, तो सामने वाले हिस्से पे भी हमने सेंटर में कट लगाना है। कट लगाने के बाद में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर हमने पेंसिल से यहाँ पे तीन निशान बना लेने हैं समान दूरी पर, और ब्लेड या चाकू की हेल्प से यहाँ पे छोटे छोटे कट आपने लगाने हैं और इनके सामने भी आपने तीन कट लगाने हैं। फिर आपने चाहे तो A4 शीट ले लेनी है या फिर चार्ट या फिर बुक का कोई साइड कवर जो थोड़ा सा हार्ड हो, और इसमें से स्ट्रिप को मैंने काट लिया है। काटने के बाद इसके तीन टुकड़े बना लेने हैं। एक एक करके इन टुकड़ों को इन कट में डाल देना है, यहाँ पे सेट कर देना है, जो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। फिर हमने दूसरा टुकड़ा लगाना है और इसी तरीके से हमने तीसरे टुकड़े को भी यहाँ पे सेट कर देना है। कंप्लीट होने के बाद आपको बहुत ही कमाल की प्रीमियम लुक मिलने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बारी है इनको असेंबल करने की। तो ये बेस, राइट, लेफ्ट और टॉप और ये फ्रंट। अब ग्लू की हेल्प से हम इनको अपनी अपनी पोजिशन पर असेंबल कर देंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट वॉल को मैंने लगा दिया है और फिर से मैं ग्लू की हेल्प से राइट वॉल को भी यहाँ पे चिपका दूंगा। इसके बाद दोस्तों फ्रंट पे हमने थोड़ा सा काम और करना है चिपकाने से पहले। यहाँ पे हमने ऑन ऑफ स्विच को लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे कट बना देता हूँ। कट बनाने के बाद ये है ऑन ऑफ स्विच, इसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अब दोस्तों ग्लू की हेल्प से हम इसको चिपका देंगे, क्योंकि बाद में इसको लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब दोस्तों टॉप वाले हिस्से को हम बाद में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने ली है एक 9 वोल्ट की डीसी बैटरी और बैटरी कनेक्टर। इनको आपस में अटैच कर देना है और ग्लू की हेल्प से हमने इस बैटरी को अपनी एसी के अंदर चिपका देना है, एसी को पावर सप्लाई देने के लिए। चिपकाने के बाद दोस्तों मेरे पास है एक मिनी डीसी मोटर। आप चाहें तो इससे बड़ी वाली मोटर का भी यूज कर सकते हैं। और ये हैं विंग्स। इनको अटैच करने के बाद इस पे ग्लू की हेल्प से या फिर आप चाहें तो डबल टेप की हेल्प से बैटरी के ऊपर चिपका देना है। बैटरी के ऊपर इसको आपने अच्छे से चिपका देना है ताकि ये बार बार हिलने पर उतर ना जाए। अब दोस्तों वायरिंग की बात है, तो रेड वायर को ब्लैक कलर के वायर को डायरेक्ट मोटर से और रेड वायर को ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट पे सोल्डरिंग से लगा देना है। फिर एक और अनदर रेड कलर का वायर लेना है और इसको आपने एक साइड से मोटर पे और दूसरी साइड से ऑन ऑफ स्विच के सेंटर पॉइंट पे लगा देना है। बड़ी सी सिंपल सी वायरिंग है दोस्तों। अब बारी है इसकी टॉप यानी कि छत की। तो अब इसको हम ग्लू की हेल्प से चिपकाने वाले हैं, क्योंकि अंदर का काम सारा खत्म हो चुका है। तो ग्लू मैं इस पे लगा देता हूं और इसको चिपका देता हूं। चिपकाने के बाद दोस्तों जो बैक साइड है इस पे हमने कार्डबोर्ड शीट को लगाना है और थोड़ा सा बॉर्डर हमने छोड़ लेना है ताकि ये रिमूवल हो सके और हम इसको बार बार निकाल सकें और लगा सकें। फिर दोस्तों बात आती है अगर एसी की, तो डिस्पोजल ग्लास को मैंने आधा काट लिया है और इसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए हैं। अब इसको लगा देना है पीछे से। और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। वाव,
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।